यहाँ बैठे आप, ये जगह महफूज है आपके लिए, यहाँ पे आपका स्टॉल लगाते हैं। शुक्रिया भाई, आपने चुनाव आई यहाँ तक लाने में मेरी मदद की। कोई मसला नहीं, ये इंसानियत के नाते इतना तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, मुझे अब आप इजाजत दें, जब आपकी छुट्टी का टाइम होगा मैं आ जाऊंगा और आपको वापस घर छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। ओए ओए वो देखो, हम डेली जब भी इस टाइम यहाँ आके बैठते हैं, मैं नोट करता हूँ कि ये बंदा इस मजदूर का सामान यहाँ तक लाने में इसकी मदद करता है, इसे मिलता क्या आखिर ये सब कुछ करके? छोड़ भाई, ये बंदा ही पागल लगता है, वरना आज के दौर में कौन किसी की मदद करता है। छोड़ सारी बातें, आ जाए इसका पीछा करते हैं और देखते हैं इसे क्या मिलता है ये सब करके। उठ। कुछ देर के बाद ये चक्कर क्या है, पहले इसने उस मजदूर की मदद की, फिर आते हुए रास्ते से इसने बिरयानी भी खरीदी, फिर अब ये इस बिरयानी को लेके जा किधर है? अबे यार, मुझे तो ये कोई बहुत ही वेला इंसान लग रहा है जो ऐसी जाली लोगों की मदद कर रहा है। चल कोई नहीं, पीछा कर रहे ना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल चल चल। अरे रुको भाई, सब्र करो, ये स्पेशल बिरयानी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप इसको सुकून से खाएं, मैं काम से लेट हो रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओए ये बिरयानी तो इसने संदे मांगने वाले को दे दी, ये सब करके से मिलेगा क्या? अबे यार, जब इसको गरीबों की मदद करके कुछ नहीं मिल रहा तो हमें इसका पीछा करके क्या मिलेगा? चल यार घर चले, एमए टाइम जाया ना कर। ओ नहीं यार, तू चल तो सही मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुझे आगे जाके। आधे घंटे के बाद। टाइम क्या हो गया वैसे? बहुत लेट हो गया काम से, बॉस ने तो आज पक्का निकाल देना मुझे। बेटा आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, फिर से पैसे मांगना शुरू कर दिए आपने? सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दें, मैं पैसे मांगने के लिए बैठा हुआ था। बेटा मैंने आपको स्कूल में इसीलिए एडमिशन दिलवाया था कि आप पढ़ लिख कर बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सको, और आपने फिर से पैसे मांगना शुरू कर दिए, आपने मेरा दिल तोड़ दिया बेटा, बहुत बुरी बात है ये। सॉरी अंकल, पक्का वादा, मैं आइंदा ऐसे काम नहीं करूंगा और अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ पढ़ाई करूंगा। गुड बेटा, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, दिल खुश कर दिया आपने। लेकिन अंकल एक मसला है। बेटा क्या हुआ, क्या मसला है बताओ मुझे। अंकल आपने मुझे स्कूल में तो दाखिल करवा दिया था, लेकिन अगले महीने की फीस का क्या होगा, इसलिए मैं लोगों से पैसे इकट्ठे कर करके अगले महीने के स्कूल की फीस जमा कर रहा हूँ। बेटा आपको ऐसे लोगों से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी आपके अगले महीने की स्कूल की फीस देता हूँ। ये पकड़ो आप पैसे, ये आप कल जाते साथ ही स्कूल में अपनी अगले महीने की फीस भी जमा करवा देना, और मैं अभी वैसे जॉब से लेट हो रहा हूँ, चलो मैं पहले आपको आपके घर छोड़ूंगा, ऐसे रोड पे नहीं आपको छोड़ सकता। चलो आओ, मैं आपको घर छोड़ के फिर अपनी नौकरी पे चला जाऊंगा। यार ये बंदा कर क्या रहा है, और ये सब करके आखिर इसे मिलेगा क्या? यार भाई मैं भी बहुत थक चुका हूँ, अब मुझसे मजीद पीछा नहीं हो सकता, चल अब डायरेक्ट चल के उसी से पूछ लेते हैं। चल चल चल। भाई रुको रुको, एक मिनट रुको। जी भाई, हुक्म करें, क्या हुआ? भाई हम पिछले 2 घंटों से आपका पीछा कर रहे हैं, आप जो इन सब गरीबों की मदद कर रहे हैं, ये सब करके आपको क्या फायदा हासिल होगा? फायदा तो कोई नहीं होगा भाई मुझे, लेकिन मैं इन बेचारों की मदद इंसानियत के नाते करता हूँ, ताकि इन लोगों का भी भला हो, और नेकी फायदा देखकर नहीं की जाती। ओ भाई ये जाली लोग होते हैं, सिर्फ दिखावा करते, दिखावा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। भाई दिलों के राज और हकीकत सिर्फ रब की जात जानती है, और नेकी कभी भी किसी बदले की उम्मीद से नहीं, बल्कि अपनी आखिरत संवारने के लिए और अपने दिली इत्मीनान के लिए करनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे अब समझ आई है कि आप ये सब काम क्यों कर रहे थे। अच्छा भाई, अगर आप बुरा ना मनाएं तो कल से हम भी इस नए काम में आपका साथ देना चाहते हैं। नेकी और पूछ कोई मसला ही नहीं है भाई, आप जरूर आएं कल से मेरे साथ, लेकिन मुझे अभी आपसे इजाजत चाहिए, क्योंकि मैंने ऑफिस जाना है और मेरा बॉस मुझे निकाल देगा जॉब से, और इस बच्चे को भी इसके घर छोड़ना है, तो इजाजत दे मुझे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, शुक्रिया।